الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين सर्वत की और खुशी की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने रमजान मुबारक में अल्लाह के मुबारक कलाम की दाद की तिलावत नमाज तरावी की सूरत में मुकम्मल कर ली। ये एक ऐसी अज़ीम शान और इतनी बड़ी इबादत है कि अगर अल्लाह के हुजूर ये कबूल हो जाए तो फिर रमज़ान मुबारक की तमाम नेमतें हमें हासिल हो गई। इतना बड़ा ये अमल है कि अगर अल्लाह के यहाँ ये कबूल हो जाए जो हमने नमाज तरावी में पढ़ा और सुना तो फिर हमें कामयाबी के लिए और भी बहुत सी इबादत हैं लेकिन ये एक ही इबादत काफ़ी है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, फरमाया जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक में क़याम किया और क़याम की बेहतरीन सूरत नमाज तरावी है, फरमाया जिसने रमज़ानुल मुबारक की रातों में क़याम किया ईमानन व एहतिसाबन अल्लाह पर ईमान रखते हुए उसके वादों पर यकीन करते हुए, अगर उसने रमज़ान की रातों को क़याम किया फरमाया गुफिर लहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, पहले सारे गुनाह उसके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमा देते हैं। अगर ये एक इबादत कबूल हो जाए तो हमारे सारे गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है। और क्यों ना हो कि अल्लाह की अज़ीम किताब जिसका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह की ज़ात से है हमने उसकी तिलावत की और सुनी। ये कैसी अज़ीम किताब है, अल्लाह की ज़ात का ये वो हिस्सा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें दुनिया में अता फरमा दिया और जो भी इस कुरान से वाबस्ता हुआ अल्लाह ने उसकी अजमतों को और रिफातों को बुलंद कर दिया। जब इस कुरान को नाजिल करना है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब हुआ जो अंबिया में सबसे आला और अफजल है। जब इस कुरान के किस उम्मत को देना है तो ये कुरान उस उम्मत को दिया गया जो सबसे आला और अरफा उम्मत है, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जिसमें हम और आप अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सेदार हैं। ये वो उम्मत है कि अंबिया ने दुआएं की कि हमें इस उम्मत का हिस्सा बना दिया जाए और जिस ज़माने में नाजिल करना था उस ज़माने को अल्लाह ने इतना कीमती बना दिया। वो एक रात जिसमें इसके नज़ूल का फैसला हुआ फरमाया वो लैलतुल क़द्र की रात है, वो लैलतुल
कदर की रात है, एक रात ऐसी जो हजार महीनों से भी बेहतर है और अल्लाह जाने के कितनी बेहतर है। और जिस जमाने में, जिस महीने में इस कुरान के नुज़ूल का आगाज हुआ, वो रमज़ान मुबारक है, अल्लाह का महीना। तो इस कुरान से जो जुड़ता चला जाता है उसके अंदर अजमत, उसके अंदर बुलंदी, उसकी इज्जत बढ़ती चली जाती है। एक छोटा सा तालिबे इल्म है, एक छोटा सा लड़का है, हाफिज हो जाता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाफिज कुरान के वालिद को, वालिदैन को अल्लाह ऐसा ताज पहनाएंगे, ऐसा चमकता हुआ ताज कि तुम सोच भी नहीं सकते। फरमाया अगर तुम सोचना चाहते हो तो इतना सोच लो कि चांद कितनी रोशनदार चीज़ है। फरमाया अगर ये चांद तुम्हारे घर के अंदर और कमरे के अंदर आ जाए तो कितनी रोशनी इसकी होगी। फरमाया उस ताज की रोशनी इससे भी ज़्यादा होगी। बाद रिवायात में उलमा फरमाते हैं जब वो ताज और वो जुब्बा, अजमत का जुब्बा हाफिज के वालिद को पहनाया जाएगा तो लोग सवाल करेंगे और देखेंगे चमकती चमकती, उनकी इज्जत देखते हुए लोग कहेंगे ये कौन से नबी हैं, ये कौन से नबी हैं, किस कौम के नबी थे। फरिश्ते जवाब देंगे ये नबी नहीं है, ये प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती वो हैं जिनके बच्चों ने हिफ्ज़े कुरान मुकम्मल किया था। इतनी अजीम शान है। तो ये कुरान एक बहुत ही अजीम तोहफा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बैठे बिठाए अता फरमा दिया। और यही वो चीज़ है जिसको अगर हमने मजबूती से पकड़ लिया, मजबूती से थाम लिया, तो दुनिया चाहे कितनी ही खराब और कितनी ही अल्लाह की नाफरमान क्यों ना हो जाए, जिस शख्स ने कुरान को पकड़ लिया वो इसकी दुनिया की फरेब ज़दा ज़िंदगी से बच जाता है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो जा रहा हूँ लेकिन दो चमकती हुई चीज़ें तो मैं देकर जा रहा हूँ। फरमाया एक अल्लाह का कुरान और दूसरी मेरी सुन्नत, जब तक इसे थामे रहोगे तुम गुमराही से बचे रहोगे। आज हम गुमराही और फितनों के ज़माने में, आज हम तारीकी और जुल्मत के ज़माने में हैं। कदम कदम पर फरेब है, कदम कदम पर दुनिया के धोखे हैं और आज हम आहिस्ता आहिस्ता इन धोखों का शिकार होते चले जा रहे हैं। क्यों? कि हमने कुरान को मजबूती से नहीं पकड़ा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाब लोगों को भी बयान फरमाया है और नाकाम लोगों का भी तज़किरा किया है। अल्लाह ने जहाँ भी कामयाब लोगों का तज़किरा किया उनकी सिफात बयान की है। उनकी सिफात क्या है? कहीं अल्लाह फरमाते हैं वह आजिज़ी को पसंद करते हैं, वो अल्लाह के यहाँ झुकते हैं, वो अल्लाह के यहाँ झुकने को पसंद करते हैं। कभी अल्लाह फरमाते हैं उनके दिल अल्लाह के जिक्र से, अल्लाह के खौफ से डर जाते हैं। जहाँ भी अल्लाह के अजाब का तज़किरा आता है उनके दिल डरते और कांपने लगते हैं और वो अल्लाह से माफ़ी मांगने लगते हैं। कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये सिफात बयान फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ने उनको माल और दौलत दिया हो तो वो माल और दौलत पर सांप बनकर नहीं बैठते बल्कि वो यतीमों, फ़कीरों, मसाकीन पर खर्च करते। कहीं अल्लाह ने उनकी ज़बान का तज़किरा किया तो फरमाया जब वो ज़बान इस्तेमाल करते हैं तो सच बोलते हैं, सच्चाई को पसंद करते हैं। ये मुख्तलिफ सिफात हैं। और जब अल्लाह ने नाफरमानों का तज़किरा किया उनकी भी सिफात बयान फरमाई। अब हमें देखना चाहिए कि हम कौन सी सिफात पर हैं। अल्लाह ने तज़किरा किया तो फरमाया जो अल्लाह के नाफरमान हैं
वो दुनियावी आसाइश और आराम को ही जिंदगी समझे हुए हैं। वो लोग समझते हैं बस यही दुनिया की जिंदगी है। अगर अल्लाह ने उनको दुनिया में कुव्वत और ताकत दे दी तो वो फिर अपने आप को खुदा समझने लगते हैं। तकब्बुर इतना कि अपने अलावा किसी को कुछ समझते ही नहीं है। फिरौन का तज़किरा अल्लाह फरमाते हैं, फरमाया फिरौन अपनी कौम को कहता है मैं तो अपने अलावा किसी खुदा को जानता ही नहीं हूं, नाऊज़ बिल्लाह, मैं तो अपने अलावा किसी खुदा को जानता ही नहीं हूं, बस मैं ही रब हूं। और कहीं अल्लाह ने उसका तज़किरा यूं फरमाया अना रब्बुकुमुल आला, फिरौन कहता था सबसे बड़ा रब मैं हूं। अल्लाह माफ फरमा, कुव्वत थी ना, ताकत थी। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने हिदायत की तरफ बुलाया, फिरौन ने क्या कहा, قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، اے میری قوم کے لوگو کیا تم دیکھتے نہیں ہو مجھے اللہ مجھے بادشاہت ہے میرے پاس، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار، یہ بہترین ملک مصر یہ میری بادشاہت میں ہے اور یہ دریائے قلزم اتنا بڑا دریا میری بادشاہت میں بہتا ہے، اب انا خیر من هذا الذي هو مهین، میں بہتر ہوں، ناؤ باللہ یہ ذلیل یہ کم درجے کا انسان کمی، اللہ اکبر نبی کو کہہ رہا ہے، اب انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین، یہ تو بول بھی نہیں سکتا، اس کو تو اچھی بات کرنا ہی نہیں آتی، اپنی بات سمجھانا ہی نہیں آتی۔ اگر یہ نبی ہوتا ولولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اللہ کے لیے کہتا سارے خزانے اللہ کے ہیں، یہ کہتا ہے سارے خزانے اللہ کے ہیں تو اس کا رب اس کو دو کنگن نہیں دے دیتا سونے کے، یہ دیکھو میرے پاس سونا ہے، یہ تاج ہے، یہ ہار ہے، اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یہ کہتا میرے رب کے پاس لاؤ اور لشکر ہیں اور فرشتے ہیں، ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے تو بھیجے، اللہ معاف فرما، فرشتہ کیوں نہیں آیا اس کے پاس، اس کے ساتھ فرشتہ گھومتا، یہ بیچارہ تو اکیلا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا طرز کلام جو اللہ کے نافرمان ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، شعیب سارا دن تو نمازیں پڑھتا ہے، یہ تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ رب ایک ہے، چل چل اپنی نمازوں کو اپنے پاس رکھنا، اور بلّا اپنی نماز اپنے پاس رکھ، یہ تیری نماز تجھے سکھاتی ہے کہ رب ایک ہے، یہ تیری نماز تجھے بتاتی ہے کہ ہم خرچہ کیسے کریں، ہمارا مال ہے ہم جو کریں گے۔ قوم لوط تھی، آج بھی بہت سے ملکوں میں یہ رواج ہو گیا، بہت سے مسلمان بھائی بھی اللہ معاف فرمائے سمجھتے نہیں ہیں، ہم جنس پرستی، مرد کا مرد کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کر لینا، یہ اتنا بڑا بوال ہے، اس سے بڑا بوال ہو ہی نہیں سکتا۔ قوم لوط کو ان کے نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، تم نے تو ایسا گناہ اختیار کیا ہے دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا، تم نے تو ایسا گناہ کیا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیا، کہ تم مرد اور مرد مل کر اپنی جنسی خواہشات کو پوری کر لیتے ہو، یہ ایسا گناہ ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں، اللہ کی ایسی نافرمانی ہے جو کسی کے ذہن میں نہیں آئی جو تم کر رہے ہو۔ اتتون الذکران من العالمین، مردوں کے ساتھ تمہارے تعلقات ہو گئے، اور
औरतें जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस ताल्लुक के लिए पैदा किए, तुमने उनको छोड़ रखा है। उनका तर्ज कलाम किया था, क्या कहने लगे, ज्यादा बातें नहीं कर, अल्लाह माफ फरमाए, ज्यादा बातें नहीं कर, अगर कुछ कर सकता है ना, अगर तू कहता मैं अल्लाह का नबी हूं तो वो अजाब लिया जिसका अल्लाह तू इतने दूसरे वादा किया है, जन्म के हम तेरी बातें सुनने के लिए नहीं आए, अगर तू सच बोल रहा है ना तो उस अजाब का जो तूने वादा किया है उस अजाब को हमारे ऊपर नाजिल करवा दे। बस ये है तर्ज तकल्लुम उन लोगों का जिनका तज़किरा अल्लाह ने अपने कुरान में किया और फरमाया ये है कौम लूत, ये है कौम आद, ये है कौम समूद, ये है कारून, ये है फिरौन, ये है हामान। इनका नतीजा और इनका आखिरत तो देखो कि इनके साथ अल्लाह ने किया क्या। वकुल्लन अखज़ना बिज़म्बी, फरमाया इनमें से हर एक को अल्लाह के अज़ाब ने पकड़ लिया, अल्लाह के अज़ाब ने हर एक को पकड़ा। فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا, किसी पर हवा का आज़ाब, किसी पर पानी का आज़ाब, किसी पर तूफान का आज़ाब, और नतीजा क्या निकला, सब तबाह और बर्बाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, अल्लाह पर यकीन रखने वाले हैं, लेकिन हमारा लबो लहजा भी ये होता जा रहा है। अगर कोई हमें कहे ना कि भाई फलां नेकी करो, तू अपनी नमाजें अपने पास रख, देखा हुआ है कि तू भी कितना बड़ा अल्लाह वाला है, अल्लाह के बंदे उसने तुझे नेकी की बात बताई, खामोशी अख्तियार कर, अल्लाह तुझे तौफीक दे तो कर ले, अगर नहीं तौफीक दी तो मुंह तो बंद रख, बस बस अपने पास रख अपना कुरान, अल्लाह माफ करना, अपना कुरान अपने पास रख, अपनी तबलीग अपने पास रख। ये हमारा दर्ज अमल है। हम किसी अल्लाह वाले को देखते हैं ना, जब उसके पास माल और दौलत नहीं होता, हम भी वही करते हैं जो फिरौन ने किया, जब उसके पास माल और दौलत नहीं होता उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, कोई एहतराम नहीं है, उसके साथ कोई ताल्लुक रखने को तैयार नहीं है। आज हमारे ताल्लुकात भी कौम शुएब हजरत शुएब से कहने लगी, ए शुएब अगर तेरा कबीला ना होता तो हम तुझे मार डालते। हजरत शुएब ने अजीब जवाब दिया, قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله, ए लोगो क्या हो गया, मेरे कबीले को उससे ज्यादा डरते हो और अल्लाह से नहीं डरते, मेरा कबीला तुम पर अल्लाह से भी ज्यादा बढ़ गया, अल्लाह के लिए मुझे माफ नहीं कर रहे, मेरे कबीले के लिए माफ कर रहे हो। आज यही दर्द अमल मेरा और आपका है। जनाजा हम किस लिए पढ़ते हैं, जनाजा किस लिए पढ़ते हैं, एक मरतबा मैंने यहां देखा, आपने भी देखा होगा, लोग आ जाते हैं जनाजे के साथ बाहर खड़े, यहां नमाज हो रही है बाहर खड़े, जनाजा पढ़ने आ गया, अल्लाह की नमाज पढ़ने पर तैयार नहीं है। जनाजा क्यों पढ़ने आ गया, चाचे का है, मामे का है, वो गिला करेगा, मेरे बाप के जनाजे पे नहीं आया, मैं कबीले के लिए जनाजे पढ़ता हूँ, मैं कौम के लिए जनाजे पढ़ता हूँ, अल्लाह का फर्ज समझ के मैं नहीं पढ़ता। अगर यहाँ भी ऐलान हो जाए ना जी जनाजा है, हम में से 10 तो चले जाएंगे, कहेंगे जी ये पढ़ रहे हैं ना, फर्ज किफाय है, ये 10 आदमी पढ़ रहे हैं बस काफ़ी है, मैं क्यों पढ़ूँ। आज हमारा दर्द अमल माफ कीजिएगा, अल्लाह वालों का दर्द अमल नहीं है। ये ठीक है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह कायम रखे इस पर, ये ठीक है कि हम कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं, लेकिन हमारा तर्ज जिंदगी और सोच और फिक्र वो इस्लामी नहीं रही, हम भी अल्लाह के नाफरमानों के रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदम ब कदम। अल्लाह का यह अजीम तोहफा कुरान इतना अजीम है कि अल्लाह ने फरमाया
इस कुरान को हमने ही नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। यही कहा है ना, इन्ना लनहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये कुरान मैंने ही नाजिल किया और मैं तुम्हें नहीं कहता कि इसकी हिफाजत करो, इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, मैं खुद इसका मुहाफिज़ हूँ। जो कुरान जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, आज 1515वीं सदी है, 1400 साल गुजर चुके हैं, वो कुरान उसी तरह महफूज है जिस तरह जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। और इसके अंदर वही सारी बरकात हैं जो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थी। ये तो हमारी बदकिस्मती है, ये तो हमारी बदबख्ती है कि हमने इस कुरान से ताल्लुक़ नहीं जोड़ा, कुरान के हक अदा नहीं किए। आज हम में से कितने हैं, अल्लाह फरमाते हैं वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, बेहतरीन तर्ज से कुरान को पढ़ो, ठहर ठहर कर हर हर्फ को उसकी जगह से अदा करो। हम में से कितने पढ़ सकते हैं यहाँ बैठे, कितने जो कुरान को सही मखारिज और तलफ़ुज से पढ़ सकते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि काफ का मखरज क्या है, काफ और काफ में क्या फ़र्क है। इंग्लिश पढ़ूंगा सही तलफ़ुज के साथ और बैठे पर भी जोर ढूंढता, यही हो रहा है ना। इंग्लिश बिल्कुल सही तलफ़ुज से होनी चाहिए जैसे अंग्रेज बोलते हैं, अरबी ऐसे जैसे फ्रेंच ऐसे बोलो जैसे फ्रेंच वाले बोलते हैं, जर्मन ज़बान तलफ़ुज से बोलो। जब कुरान, अल्लाह माफ़ करने वाला, मेरे पास कुरान के लिए टाइम नहीं है, कुरान के लिए टाइम नहीं है। अल्लाह की ये किताब जो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसको अगर थाम लिया तो फिर गुमराही नहीं है, फिर तारीकी नहीं है, फिर अल्लाह की नाराज़गी नहीं है, बल्कि इसके बरक्स इसको थामने वालों पर तो अल्लाह की रहमत ही नाज़िल होती है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा मिन कौमिन, कोई ऐसी जमात नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी हलके में किसी जगह में बैठ जाएं और कुरान एक दूसरे को पढ़ना सिखाएं, कुरान की तिलावत करें, एक दूसरे को कुरान पढ़ने की तलकीन करें। फरमाया इल्ला हफ्फतहुम अल मलाइका, यहाँ तक के रहमत के फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं, रहमत के फरिश्ते नाजिल होने लगते हैं उस मजलिस पर, अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लगती हैं, अल्लाह की तरफ से इत्मीनान और सुकून नाजिल होने लगता है। आपने अभी भी देखा, कभी भी देख लें, आप कुरान सुनेंगे एक अजीब, अगर आपने सही जैसे सुनने का हक है आप उस तरह सुन रहे हैं अदब के साथ, तो एक अजीब सा इत्मीनान आपकी रूह के अंदर आ रहा है। ये आज भी इस कुरान में मौजूद है। ज़रूरत इस बात की है कि हम कुरान को सही पढ़ें, सीखें कि हमने कैसे पढ़ना है और फिर उसको समझें, उसको समझें। अगर किसी इंसान के पास, अब मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैं चला जाऊँ किसी ऐसे मुल्क में जहाँ की ज़बान मुझे नहीं आती, अब मैं चला गया इंग्लैंड चला गया, इंग्लिश मुझे नहीं आती, और मुझे किसी ने लाकर एक ख़त दिया, कहा जी ये हुकूमत की तरफ से, ये हुकूमत की तरफ से आपके लिए नोटिस है, चलो भाई। अब अकलमंदी क्या है, उसको घर में रख दूँ? मेरा सबसे पहला, मैं कोशिश ही करूँ भाई किस चीज़ का नोटिस है, मैंने किस चीज़ की खिलाफवर्जी की है, मैंने क्या किया है, ये किस चीज़ का नोटिस आ गया। एक के पास जाऊँगा, दूसरे के पास जाऊँगा, तीसरे के पास जाऊँगा, लोगों की मिन्नतें करूँगा कि भाई मुझे पढ़ के दे दो, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये मुझे किस चीज़ का नोटिस जारी हो गया, ये किस चीज़ का मुझे नोटिस आ गया, हुकूमत की तरफ से लेटर आ गया।
अल्लाह ने आपको इतना मोटा 30 बारों का मोहब्बत भरा खत लिखा है और तेरे पास टाइम ही नहीं है माशाल्लाह, तो इतना बड़ा हो गया कि अपने रब के लिए तेरे पास टाइम नहीं है। अल्लाह अल्लाह ने तुझे इज्जत दी है, अल्लाह ने तुझे मान दिया है, अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, अल्लाह तुझे और ताकत दे, लेकिन क्या तू इतना बड़ा हो गया कि तुझे ये सीखने की जरूरत ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का क्या मतलब है, कुल या अय्युहल काफिरून का क्या मतलब है, तब्बत यदा अबीना अबीन व तब, किसके बारे में है, क्यों अल्लाह ने उसको ये सजा दी है, नहीं जानते, नहीं पढ़ते, जरूरत ही नहीं, अल्लाह माफ फरमा, जरूरत इस बात की है जितनी उम्र बाकी रह गई। अब ये तो जरूरी नहीं है कि एक आदमी अगर जुर्म करे तो कहे जी मैं 40 साल तक मैंने जुर्म किया है, अब बकिया जिंदगी भी जुर्म करूंगा, ये तो कोई अकलमंदी की बात है। एक आदमी ने 30 कदम किए हैं और कहे जी 30 और करूंगा, भाई क्यों करेगा, 30 कत्ल की सजा इतनी बड़ी है, 30 और कहां से करेगा। उस आदमी की अकलमंदी तो यह है कि माफी और तलाफी करके अपनी जान बचाए कि भाई मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा, यही सही तरीका है ना। अगर आपसे यह गलती हो गई या आपने 40 साल तक कुरान को अहमियत नहीं दी, आपने 50 साल तक कुरान को अहमियत नहीं दी, तो क्या जरूरी है कि ये गफलत लेकर अल्लाह की बारगाह में चले जाए, अल्लाह माफ फरमाए, क्या ये जरूरी है कि मैं अब भी ना सुधरूं जबकि मैं अपने रब के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। इस उम्र की उम्र कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 63 साल, 64 साल, चलो ज्यादा हुआ 70 साल, 100 पर तो बहुत कम पहुंचते हैं, बहुत तो खबर बन जाती है कि फला आदमी की उम्र 100 साल हो गई, चले आपकी उम्र 100 साल भी हुई, 40 साल तो आपने जाया कर दिए, जरूरत इस बात की है कि बाकी 60 साल तो जाया ना हो, समझने की कोशिश करें कि मेरा रब क्या क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, अच्छी तरह से मैं कैसे पढ़ूं, अच्छे तलफ्फुज़ कैसे करूं, इसको समझूं कैसे, और फिर समझने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस पर अमल कैसे करूं। कुरान अमल करने के लिए आया है, कुरान अल्लाह ने अमल करने के लिए हमें अता फरमाया है कि अगर तुमने अपने आमाल इस कुरान के मुताबिक बना लिए तो इस दुनिया में भी फलाह और कामयाबी, और आखिरत की फलाह तो है ही उनके लिए जिनसे अल्लाह का कुरान राजी होकर जाए। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल कुरान शाफियान मुशफ़ान, कुरान आखिरत में ऐसा सिफारशी है जिसकी सिफारिश रद्द नहीं होगी, कुरान ऐसा सिफारशी है जिसकी सिफारिश फौरन कबूल हो जाएगी। वमालिहुन मुसद्दकुन, और कुरान आखिरत में ऐसा मुकदमा करने वाला है, ऐसा मुकदमा, ऐसा झगड़ने वाला है कि जिसके झगड़े की तस्दीक की जाएगी। अगर किसी शख्स के बारे में कुरान ने कह दिया ए अल्लाह इसे माफ़ फरमा दे, फरमाया उसकी निजात यकीनी है, और अगर कुरान ने किसी शख्स को पकड़ लिया, अगर कुरान ने किसी शख्स को पकड़ लिया और ये कहा कि अल्लाह ये है तेरा वो बंदा जिसने ना मुझे पढ़ा ना मुझे समझा ना मुझे पर अमल किया, बस उसका काम तो हो गया, जिसके लिए अल्लाह का कुरान खड़ा हो जाए और कहे कि जी मैं इसे जन्नत में नहीं जाने दूंगा, पहले मेरा हिसाब किताब तो दिलवाओ इससे मेरा हिसाब किताब तो दिलवाओ, क्या ये मुझे अच्छी तरह पढ़ सकता था, क्या ये मुझसे मोहब्बत करता था, क्या ये मुझ पर अमल करता था, या इसके लिए सारी दुनिया के लिए इसके पास टाइम था, मेरे लिए टाइम नहीं, सारी दुनिया के लिए टाइम था
अखबारों के लिए टाइम, रिसालों के लिए टाइम, टीवी के लिए टाइम, फिल्मों के लिए टाइम, गानों के लिए टाइम, सिर्फ मेरे लिए टाइम नहीं, जिसे कुरान ने पकड़ लिया। फरमाया मन जअलहु अमामहु, जिसने कुरान को अपने सामने रखा, जिसने कुरान से मोहब्बत की, जिसने कुरान पर अमल किया, कादहु इलल जन्ना, फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये कुरान उसे सीधा जन्नत में ले जाएगा, ये कुरान सीधा उसे जन्नत में ले जाएगा। वमन जअलहु खल्फहु, और जिसने कुरान को पीछे, पीठ के पीछे रख दिया, भूल गया, जिसने कुरान को अलमारी के ऊपर रख दिया और कभी जहमत ही नहीं की कि मैं खोल कर इसकी तिलावत करूं, इसको पढूं, इसको समझूं, फरमाया फिर वो शख्स कभी जन्नत में नहीं जा सकता, फिर वो शख्स जन्नती नहीं हो सकता जिसने कुरान को छोड़ दिया। तो आज अल्लाह ने हमें ये तौफीक दी, यकीनन हमसे कमी और कोताहियाँ पढ़ने और सुनने में हुई हैं, इस कुरान को एक हमदर्द दोस्त के तौर पर रुख्सत कीजिए। इसके जाने का, अब ये कुरान हमसे अल्लाह की बारगाह की तरफ जा रहा है। कई मरतबा ऐसा होता है कि बड़े से बड़ा अमल अल्लाह की बारगाह में जाता है लेकिन कबूल नहीं होता, अल्लाह माफ़ करना। अब ये हमसे रुख्सत हो रहा है, इज्जत के साथ, मोहब्बत के साथ, एहतराम के साथ इस दोस्त को रुख्सत कीजिए कि अगर यह राज़ी होकर रुख्सत हुआ तो कल क़यामत में, बल्कि क़यामत तो बहुत दूर है, कल कब्र में आपका साथी बनकर वापस आ जाएगा, क़यामत तो बहुत दूर है ना, कब्र में आपका साथी बनकर वापस आ जाएगा। और अगर ये नाराज़ होकर गया और कबूल नहीं किया गया, गफलतें तो मान लीजिए हमसे हुई हैं, इमाम साहब पढ़ रहे थे, हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहे थे, इमाम साहब तिलावत कर रहे थे, हमें बोझ लग रहा था, अल्लाह माफ़ फरमाए, बोझ लग रहा था, बहुत लंबी तिलावत हो गई है, रुकू होना चाहिए, रुकू होना चाहिए, क्या कर रहा है इमाम। कभी इमाम से भी गफलत हुई होगी, कभी हमसे भी गफलतें हुई होंगी। बेहतर और बेहतरीन बात यह है, यहीं पर माफ़ी और तलाफ़ी कर लें। क्यों कि ख़त्म कुरान की महफिल वो है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें दुआएं कबूल होती हैं, सिर्फ दुआएं कबूल नहीं होती, फरमाया जब कोई शख्स कुरान को ख़त्म करता है, अगर दिन को ख़त्म करता है, अल्लाह उसके लिए फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं जो रात तक उसके लिए दुआएं मग़फ़रत करते रहते हैं, और अगर इंसान रात को ख़त्म करता है, फरमाया अल्लाह उसके लिए सुबह फजर तक फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं जो उसके लिए मग़फ़रत की दुआएं करते रहते हैं। तो आज हम माफ़ी और तलाफ़ी करवा लें और ये अल्लाह से वादा कर लें, हमारी गफलतों के बावजूद, हमारी नादानियों के बावजूद अल्लाह ने हमें यह अजीम तोहफा दिया कि हमने कुरान तरावी में सुना और पढ़ा, अब ये ताल्लुक नहीं टूटे, अब ना टूटे। एक आयत भी अगर आप पढ़ सकते हैं दिन में, एक आयत अगर आप एक आयत भी पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए, अगर एक आयत भी समझ सकते हैं ज़रूर समझिए, अगर एक लफ्ज़ भी, कुल लफ्ज़ हैं कितने अरबी के, 28 अल्फाज हैं अल्लाह के बंदो, 28 लफ्ज़ हैं, अगर आपने 28 लफ्ज़ अपने अपने मखारिज से निकालना सीख लिए, बात ही ख़त्म हो गई। एक लफ्ज़, एक आयत, एक सूरत, एक सफ़ा, जो जितना कर सकता है आज से इरादा कर ले कि मैं मर जाऊंगा लेकिन ये काम नहीं छोड़ूंगा, जब तक मुझे एक आयत याद नहीं हुई और सही पढ़ने नहीं आई, मेरी ज़िंदगी में इत्मीनान नहीं आ सकता, वो दिन मेरा खाली गया। एक आयत ज़रूर समझूंगा, किसी हाफिज से, किसी आलिम से, किसी इमाम से, इस आयत का क्या मतलब है, इस आयत का क्या तर्जमा है, एक एक आयत भी क्या मुश्किल है,
जब दिन में हमारे कितने काम अल्लाह के फजल से हो जाते हैं, अगर आपने नीयत अच्छी रखी, इरादा अच्छा रखा, तो मुमकिन ही नहीं है कि ये काम आप न कर पाएँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान से मोहब्बत नसीब फरमाए। कुरान को पढ़ना, सही मखारिज और तलफ़ से पढ़ना और कुरान को समझना, और सबसे बढ़ कर कुरान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अपनी औलाद में, अपने ख़ानदान में, अपनी नस्लों में हमें ये मोहब्बत पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह हमने इंग्लिश पढ़ाते हैं, जिस तरह साइंस पढ़ाते हैं, जिस तरह उर्दू पढ़ाते हैं, जिस तरह और मजामीन पढ़ाते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने औलाद को कुरान की तालीम दें, उनको अच्छा कारी बनाएँ, अच्छा हाफिज़ बनाएँ। अच्छा हाफिज़ नहीं बन सकता, कम से कम इतना तो बनाएँ कि अपनी नमाज को सही तरीके से पढ़ सके। यह आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।